पहली प्रोफेसी मैंने क्या सुनी? I hear sound of war in the world. I hear the sound of war in the world. मैंने युद्ध के वाणी को इस संसार में सुना. वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. और ये वॉर की तैयारी कहां से? और ये पता है जिस देश की, जिस राज्य की क्वीन प्रेसिडेंट है. I wish आप समझदार हो कि मैं आपको किस प्रोफेसीज के साथ लेकर जाना चाहता हूं. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन. मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव. बुलेटिन में बात, रूस की फिनलैंड और ब्रिटेन को सीधी चेतावनी की. जी हां, रूस ने एक बार फिर फिनलैंड और नाटो देशों को धमकाया है. रूस ने फिनलैंड को कहा है कि अगर उसने नाटो देशों में शामिल होने का सपना देखना नहीं छोड़ा तो महज 10 सेकंड में रूस की घातक मिसाइलें उसे तबाह कर देंगी. इतना ही नहीं, ब्रिटेन को भी सख्त लहजे में बता दिया कि वो फिनलैंड और स्वीडन को उकसाना छोड़ दे. ये रिपोर्ट देखिए. लाख समझाया, खूब धमकाया, यूक्रेन की तबाही का ट्रेलर भी दिखाया. लेकिन फिनलैंड नहीं माना. नाटो नाटो रटता रहा. और अब भी रट रहा है, जिससे पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. और अब एक बार फिर रूस ने दी है फिनलैंड को धमकी, और धमकी भी ऐसी जिसने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी है. ब्रिटेन के होश फाख्ता कर दिए हैं. जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, रूस ने एक बार फिर फिनलैंड और ब्रिटेन को धमकाया है. रूस ने फिनलैंड को आगाह किया है कि अगर उसने नाटो में शामिल होने की जिद नहीं छोड़ी और ब्रिटेन ने फिनलैंड को उकसाना नहीं रोका तो दोनों को पुतिन के भीषण प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन ने तैयार कर लिया है बारूदी प्लान, जिसके तहत 10 सेकंड में तबाह हो जाएगा फिनलैंड, 200 सेकंड में धुआं हो जाएगा ब्रिटेन, और अमेरिका को शैतान चबा जाएगा.